ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज हम बना रहे हैं सुपर सॉफ्ट एंड टेस्टी मैंगो केक, जिसमें हम ना ही एग का इस्तेमाल करेंगे, ना ही एसेंस का, ना ही कलर का, ना ही केक टिन का। घर में यूज होने वाले कोई भी बर्तन से हम इस केक को बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि देशवास, का नाम आपका बहुत बहुत स्वागत है। केक को बेक करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे एक मोल्ड। अगर आपके पास केक टिन हो तो बहुत ही अच्छा, अगर ना हो तो आप इस तरीके की एल्युमिनियम हो या फिर स्टील का बर्तन आप ले सकते हैं। तो इसमें हम पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे, देन इसके ऊपर हम मैदा छिड़क देंगे। जो एक्स्ट्रा फ्लोर यहाँ पे बच गया है इसको हम झाड़ देंगे। तो ये हमारा मोल्ड यहाँ पे रेडी हो चुका है, इसमें केक चिपकेगा नहीं। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंगो केक बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे आम। बस ध्यान रखें कि आम मीठे हो, आम जितना मीठा होगा केक हमारी उतना टेस्टी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ली है दो आम। चलिए छिलकों में से पल्प को निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे मैंगो पल्प को तो मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, साथ ही लेंगे एक मेजरमेंट कप। अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो आप घर में यूज होने वाली कोई भी एक बाउल या फिर कोई भी एक कप ले सकते हैं। एक मेजरमेंट कप में नाप के मैंने यहाँ पे ली है 3/4 कप चीनी, साथ ही लेंगे 3/4 कप रिफाइंड ऑयल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम ब्लेंडिंग जार में ऐड करेंगे एंड जो मैंगो पल्प हमने निकाल के रखा है। चलिए तीन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन ब्लेंड हम 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे ताकि ये मैंगो ऑयल एंड चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंगो ऑयल एंड चीनी का मिक्सचर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे एक बड़ा सा बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा मैंने यहाँ पे एक कप ली है सेम कप में। तो मैंने पहले एक कप ली है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद फिर से मैं एक कप और ऐड करूँगी। टोटल हम यहाँ पे 2 कप मैदा यूज करेंगे। आप देख सकते हैं एक व्हिस्कर की मदद से मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंगो पल्प के साथ। अब हम और 1 कप मैदा यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से व्हिस्क कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस, देन फिर से हम व्हिस्क करेंगे। ये देखिए बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसे हम केक बनाने के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाएंगे। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे मिल्क। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉइल्ड मिल्क ली है जो कि ठंडा हो चुका है, लेकिन चिल्ड मिल्क नहीं है, ये रूम टेम्परेचर वाली है। तो मिल्क को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जब तक हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी केक बनाने के लिए परफेक्ट ना बन जाए। ये देखिए हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पे परफेक्ट है। केक बनाने के लिए हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेम कप में 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा के करीब मिल्क लिया है। तो यह हमारी बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। सारे बैटर को डालने के बाद हम मोल्ड को थोड़ा सा इस तरीके से टैप कर लेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं केक पैक करने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में हीट होने के लिए छोड़ दिया था कवर ना लगा के। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर एकदम गरम हो गया है। अब हम लेंगे इस तरीके की एक स्टैंड, अगर आपके पास प्लेट हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं। स्टैंड को हम प्रेशर कुकर के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर हम केक को केयरफुली रखेंगे क्योंकि कुकर बहुत ही गर्म है। अब हम प्रेशर कुकर की कवर लगाएंगे लेकिन व्हिसिल को निकाल के। पहले हम 2 मिनट हाई फ्लेम में ही छोड़ देंगे, देन गैस की फ्लेम को लो करके 40 मिनट तक हम इसे बेक होने देंगे। 40 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये देखिए 40 मिनट यहाँ पे हो चुका है।
चलिए हम कुकर का ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, केक कितना बढ़िया दिख रहा है, कितने अच्छी तरीके से फूल चुका है। चलिए एक चाकू की मदद से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाकू में बिल्कुल नहीं रग रहा, इसका मतलब केक हमारा बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे हम केयरफुली निकाल लेते हैं। ये देखिए केक यहाँ पे बहुत ही गर्म है, इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के करीब यहाँ पे हो चुका है। चलिए मैं केक को निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए मोल्ड में से कितने अच्छे तरीके से निकल आया है केक, बिल्कुल नहीं चिपका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारी एगलेस मैंगो केक यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना बढ़िया कलर आया है। तो फिर चलिए मैं एक कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी मैंगो केक यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स आप एक बार मेरी तरीके से ये मैंगो केक जरूर ट्राई करें। सच में फ्रेंड्स ये केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। ट्राई करने के बाद ये केक रेसिपी आपकी कैसी बनी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।